I hope all of you are keeping in good health of mind and body. Today my topic for all of you is to enhance life skill during COVID-19. इस COVID-19 के समय हम सबको संयम रखना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, यानी कि रोज सुबह उठ के प्रार्थना करें, ईश्वर से दुआ याचना करें, उसकी स्तुति आराधना करें, उनसे आशीष प्राप्त करें कि वे आपको सुरक्षित रखे, आपके परिवार को सुरक्षित रखे, अपने समाज को सुरक्षित रखे और सारी दुनिया को सुरक्षित रखे, क्योंकि ईश्वर को हमेशा हमें पहला स्थान देना है। दूसरा, अपने घर को सैनिटाइज करें, घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उसे अच्छा रखें, साफ सुंदर देखने में अच्छा लगे, कि हर जगह पॉजिटिव एनर्जी बहे। तीसरा, बच्चों को और आप भी पौष्टिक आहार लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, जैसा कि घर में बना हुआ खाना ही खाइए, कम से कम 2 साल के लिए बाहर का खाना मत खाइए, जैसे कि जंक फूड, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक। मन तो करता है, पर हो सके तो उस मन को मार के ताजे फल का रस पीजिए, या तो आजकल आम पन्ना है उसको लीजिए। घर में बना हुआ खाना बच्चों की आदत बना लीजिए और अपनी भी आदत बना लीजिए। घर से जब आप बाहर निकले सब्जी या फल खरीदने के लिए, अपने आप को पूरा ढक ले और अपने मुंह को फेस कवर करें, फेस मास्क लगाए और सैनिटाइजर अपने हाथ में लेकर चले। एक जगह से दूसरी जगह जाए तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर में जब आप वापस आए तो ध्यान रखें कि अपने जूते चप्पल घर के बाहर रखें और घर में आते के साथ स्नान करिए। और आप जब बाहर जाते हैं या कुछ भी काम से जाते हैं बाहर, एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 2 गज की दूरी बनाए रखें। घर में वापस आते हैं तो सबको खुश रखिए कि आप वापस आए सुरक्षित। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, ये समय एक अलग समय है, बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने कामों में ध्यान रखिए, जैसा कि अपनी हॉबीज को डेवलप करिए बजाय टीवी या मोबाइल पर समय बिताने के लिए या इंटरनेट पर चिपके रहने के लिए। अच्छा होगा कि आप अच्छी अच्छी हॉबीज डेवलप करें अपने में, बच्चों में, जैसे कि म्यूजिक हो, डांस हो, कोई गेम्स हो, कोई नॉलेजेबल गेम्स हो, ऐसे सारी चीजों का इस्तेमाल करिएगा। अपनी मतलब स्किल को डेवलप करिए, जो चीज आपको पसंद है उसे डेवलप करिएगा। फिर उसके बाद अपने रिश्ते, परिवार के रिश्ते को मजबूत करिए, बच्चों को अच्छा सिखाइएगा, माँ बाप खुश रहिए घर में, अच्छी अच्छी बातें करें ताकि आप भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे। और याद रखिए, हमारी भारतीय संस्कृति है कि आस पड़ोस को भी प्यार करें, तो अपना आस आपसी रिश्ता अच्छा बनाए रखिए पड़ोसियों के साथ भी। घर से बाहर निकलिए, उनसे दूरी बनाए रखिए, बट अपने रिश्तों को कायम रखिए, बातें करिए। ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल से बातें करिए, आप बाहर जाइए, बातें करिए, खुश रहिए, क्योंकि आपका परिवार खुश, बाहर वाले खुश, तो आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आपके आस पड़ोस में एक एनवायरनमेंट है, उसको साफ सुथरा रखिए, पेड़ लगाइएगा, ये समय पेड़ लगाने का। जैसे कि 5 जून को एनवायरनमेंट डे था, उस दिन अधिकतर बच्चों ने पेड़ पौधे लगाए, तो अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिएगा। और आपके आसपास में जो एनिमल्स है, जानवर है, पक्षी है, उनको प्यार करें, उन्हें खाना खिलाइए, उनकी देखभाल करें, क्योंकि वे भी आपके प्यार के लायक है। जैसे आप बच्चों को प्यार करते हैं, वैसे जानवर और पक्षी को भी प्यार करें और एनवायरनमेंट को भी प्यार से रखिए, साफ सुथरा रखिए, हरा भरा रखिए, आप भी खुश, वो भी खुश। आखिरी बात कहने कि अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने आप से हमेशा ये कहिएगा, आई एम यूनिक, आई एम लविंग, आई एम काइंड, आई एम जेनरस, आई एम मर्सीफुल। कहने का अर्थ है, मैं दयावान हूँ, मैं एक अनोखी अनोखी इंसान हूँ, अनोखा इंसान हूँ, या मैं एक खास इंसान हूँ। ये सब बातें याद रखिए। जब आप
पॉजिटिव स्ट्रोक्स अपने आप को देंगे कि मैं अच्छी हूँ, मैं भली हूँ, मैं दयावान हूँ, ये सब जब बोलेंगे तो आपके अंदर ये गुण अपने आप ही बढ़ते जाएंगे। और ये समय है जब आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्रेशन के साथ रखिए। जब आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, और जब आप सब कुछ ही अच्छा करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। टू बी पॉजिटिव इज द नीड ऑफ द आवर। अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए। और आखिरी में एक चीज याद रखिए, सभी साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, पर तब तक के लिए हम सबको साथ देना है हमारी सरकार के साथ, कि जो वो कहते हैं उनके नियमों का पालन करें, अपने घर के नियमों का पालन करें, और जहां कहीं भी उधर जा जहां भी जाते हैं वहां के नियम का पालन करें, ताकि सब कुछ स्मूथली चल सके। डियर पेरेंट्स, एक चीज हमेशा याद रखिए कि इट इज सेड एवरीथिंग विल पास अवे। दिस कोरोना मे नॉट पास अवे बट इट विल रिमेन विद अस, बट देयर विल बी अ ट्रीटमेंट, देयर विल बी अ वैक्सीन व्हिच विल कम। We all will be all right. We all will be okay. We all will be fine. We'll be perfect, well, great. Why? Because God is great. हमेशा याद रखिए, ईश्वर सबसे बड़ा है। God is greater than all our problems which are prevailing. This COVID-19 pandemic will end away. ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब खत्म इसलिए होगा क्योंकि हम उसको अपनाना शुरू करेंगे, उसकी वैक्सीन लेंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने अंदर ये रखिए कि सब कुछ समाप्त होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बी गुड इन हेल्थ, बी पॉजिटिव। थैंक यू डियर।